हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। हम लोग आइडियल्स के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। अब तक हमने अब तक हमने आइडियल की परिभाषा और डेफिनेशन देखी है कि एक सेट आई जो सबसेट है आर का इज सेट टू बी आइडियल ऑफ आर इफ, यहाँ पे तीन चीजें हों, ए बी बिलोंग्स टू आई इम्प्लाई करे आई ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई, फिर ए बिलोंग्स टू आई कोमा आर बिलोंग्स टू आई इम्प्लाई करे कि ए आर बिलोंग्स टू आई एंड आर ए बिलोंग्स टू आई। ये तीन चीजें यदि हो तो वो आइडियल बनती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए हमने, फिर हमने कुछ थ्योरम्स करी थी कि आई वन दो आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है, इसका यूनियन आपका आइडियल नहीं होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। फिर हमने दूसरी थ्योरम करी थी कि आई वन प्लस आई टू जो डिफाइंड है आगे सेकेंड थ्योरम में, वो भी आपका आइडियल होता है। फिर हमने इसका एक तीसरा थ्योरम किया था, फील्ड इज ए सिंपल रिंग, इज ए सिंपल रिंग, या इसको यूं कहें कि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। ये थ्योरम आपकी यहाँ पे भी है स्क्रीन पर, तो आप एक बार वापस से चेक कर सकते हैं कि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। इसकी दो आइडियल तो हमेशा बनती बनती है, हमारे को प्रूव करना है कि इन दोनों के अलावा कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमने कंट्राडिक्शन मेथड को फॉलोअप किया और माना कि there exists another ideal I, हमने माना कि ये जो I है हमारी एक आइडियल वो एग्जिस्ट करती है। तो I निश्चित रूप से क्या हो गई, सबसेट हो गई, आइडियल है तो वो F से छोटी बनेगी, सबसेट तो हो गई होगा, तो एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया। फिर हमने बता दिया कि जो F है वो सबसेट होता है I का, तो ये दो पार्ट में इसको प्रूव कर दिया, तो इससे हमारा क्या हो गया, I बराबर F हो गया। हमने इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई भी एक दूसरी जो आइडियल मानी थी वो हमारी मेन जो फील्ड है उसके बराबर ही है। देयरफॉर ये जो हमारा थ्योरम है वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट इसकी एक चौथी थ्योरम आप ले सकते हैं कि फोर्थ वन थ्योरम में यहां लिख रहा हूं, दैट इज कम्यूटेटिव रिंग दैट इज फोर्थ थ्योरम। अब यहां मेंशन करते हैं अपन,
कॉम्यूटेटिव रिंग रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव भी है और यूनिटी शब्द भी है रिंग में, इज फिल्ड इफ इट इज सिंपल। ये ऊपर वाले थ्योरम का कंट्राडक्टरी पार्ट है कि हम यदि सिंपल हो, फील्ड इज सिंपल, तो वो फील्ड सिंपल बनेगा, ये तो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज फील्ड, ये उल्टा प्रूव कर रहे हैं हम कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कोई भी सिंपल जिसमें सिंपल है। आर हमारे पास एक ऐसा रिंग है जो कम्यूटेटिव है, यूनिटी है और सिंपल है। ये तीन चीजें है हमारे पास और हमें प्रूव करना है कि ये फील्ड बनेगा। हमें क्या प्रूव करना है कि ये फील्ड बनेगा। फील्ड बनेगा मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स के, नॉन जीरो एलिमेंट्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो हमें हमारे पास होंगे, ये हमें प्रूव करना है। मैं यहाँ टू प्रूव कर देता हूँ, इस थ्योरम को समझ रहे हैं, ये गिवन पार्ट है हमारा कि हमें जो रिंग है वो कॉम्यूटेटिव दे रखा है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, उसका यूनिटी एग्जिस्ट करता है और वो सिंपल है। सिंपल है इसका मतलब कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करती है, ओनली केवल दो ही आइडियल एग्जिस्ट करती है, आर और जीरो। इसको प्रूव करने के लिए हम यहां से प्रूफ लिखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ, फर्स्ट वी प्रूव दैट elements of R are the type of, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, टाइप ऑफ आर ए। फॉर इट, इसको प्रूव करने के लिए लेट लेट अस प्रूव आर ए इज इक्वल्स टू आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर इज आइडियल। पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं अपन। आर ए एक आइडियल है, तो आर ए आइडियल है, इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा। लेट दो एलिमेंट मान लें आप, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ए, एक एग्जांपल हो गया एक तरह से ये। दिस इंप्लाइज दैट एक्स किसके बराबर हो गया आपका, आर वन ए के बराबर मान लीजिए। वेरिएबल कौन है आपका, यहाँ पे आर है ना, और वाई इज इक्वल्स टू आप क्या मान लीजिए, आर टू ए। तो यहां से आप तीन चीजें बता दीजिए, x माइनस वाई जो है और r इंटू एक्स और x इंटू आर, ये तीनों चीजें किसमें बिलोंग करती है आपकी, आर ए में बिलोंग करती है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि आर ए इज आइडियल।
आरे क्या है? आइडियल है। ये एक चीज हमने प्रूव करी फॉर इट। दूसरा चीज आप यहां से देखिए, मैं सोचता हूँ ये आप आराम से कर लेंगे। सेकंड चीज जो हमें यहां ध्यान देखनी है, दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल सिंस, लगा दीजिए, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर आइडियल, सो जो हमारा आर ए है या तो आर के बराबर होगा या आर ए जीरो के बराबर होगा। है ना? बट वन बिलोंग्स टू आर, यूनिटी में इसमें वन बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर ए इज नॉट इक्वल टू आर, एंड आपके पास क्या आ गया, आर ए बराबर आर आ गया। जो हम चाह रहे थे कि हम पहले एलिमेंट्स ऑफ आर आर ऑफ टाइप आर ए, दिस इम्प्लाइज दैट हमने जो एक टर्म है वो हमने प्रूव कर दिया कि एलिमेंट्स ऑफ आर आर the type of RA, जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, RA टाइप के हैं। यहाँ पे अब प्रूफ बिल्कुल छोटा सा बचा है। नाउ सिंस वन बिलोंग्स टू आर, वन आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट बी कोई भी एक एलिमेंट होगा सच दैट बी ए किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। और दिस इम्प्लाइज दैट जो है आपका बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा फॉर ऑल ए। और इसका जस्ट क्या मीन हुआ, इसका ये जस्ट मीन हुआ कि देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि जो हमारा आर है इज ए फील्ड, वो हमने जो लिया था वो क्या है, आपका फील्ड है। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि फील्ड में सिंपल फील्ड सिंपल होता है, कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तीन और चार नंबर की थ्योरम को एक साथ भी पूछा जा सकता है बड़ी थ्योरम बनाकर। नेक्स्ट वी वांट टू प्रूव सम मोर डेफिनेशंस।